अस्सलाम वालेकुम। बगैर टाइम ज़ाय किए हम आपको सिखाते हैं कि कार्बोरेटर की ट्यूनिंग कैसे होती है। ये तो खोल दें, प्लग से आपको पता चलेगा कि आपका वेस्पा पेट्रोल ज़्यादा खा रहा है या कम या ठीक। तो ये है ज़्यादा काला हुआ हुआ, तकरीबन ठीक ही है ये। अगर ये ज़्यादा काला हुआ तो फिर आपको पेट्रोल कम करना पड़ता है। इसको साजी बंद करो, आप कार्बोरेटर खोलो, बार करो। ये दो नट करंट पे, ये चौधरी काशिफ आपको रावा में करीबी एक मैकेनिक, अच्छा मैकेनिक भी मिल सकता है, अवेलेबल है। और ये चॉइस आप हैं जी वेस्पा के मालिक? जी जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काशिता बहुत अच्छे मैकेनिक है। ये इसका एयर फिल्टर है, ये खोलो सबसे पहले। आपको एक बताने वाला पता है, इस वेस्पे में कोई भी चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है। इसका फिल्टर तक ये लोहे की जाली है, इसको अगर अच्छी तरह आप धो लें तो ये साफ़ हो जाता है। ये इसीलिए इतने सालों से ये चल रहे हैं कि इसमें ख़राब होने लायक कोई चीज़ ही नहीं। ये दो जेट हैं इसके, ये वाले, इनको खोल के आप साफ़ कर लें। एक आपको खोल के बता दें, दूसरा आप खुद ही खोल लीजिएगा। इसको ये देखें, इसमें ये सुराख हैं, ये जो छोटे छोटे सुराख हैं इनको सुई की मदद से साफ़ कर लें। इसके वैसे साफ़ ही हैं, इस तरह से नीडल डालें और इसको साफ़ कर लें और ये दोबारा उस तरह ही फिट कर देना। चलिए फिट कर दें, ये देखें पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, इसका ये रबड़ की सील उतारें और यहाँ से आप पेट्रोल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप ज़्यादा करेंगे तो प्लग काला होगा, बार बार शार्ट होगा। बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, अगर आप घुमाएंगे तो ये कम होगा, एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये ज़्यादा होगा पेट्रोल। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो प्लग शार्ट होगा, काला होगा, बहुत कम होगा तो पिक नहीं होगी। इसको आप पूरा नट बंद करके थोड़ा थोड़ा चला के आप देख लें अपने हिसाब से, इसको सेट करके बाद में रबड़ लगा दें। पहले आप कार्बोरेटर बंद कर लें, फिर बाद में ये नट सेट कर लें। अल्लाह से उम्मीद है कि आपको कार्बोरेटर ट्यूनिंग की समझ आ गई होगी।